हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आवर क्रिकेट। तो मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त सैयद दानियल हुसैन। तो गाइस, हम लोग आज वो बात करने जा रहे हैं जिसको आपको और हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। कल है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का फाइनल मैच। तो इस कल जो मैच होने वाला है उसका मैं प्रीव्यू करने जा रहा हूँ। आप लोग बने रहिए आगे इस वीडियो में। तो हर मैच की तरह इसमें भी टॉस बहुत अहम रोल निभाने वाला है। मेरे हिसाब से जो भी टीम जीतेगी टॉस वो पहले बैटिंग ही लेगी, और बैटिंग में अगर वो 280 या 300 मार देगी तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा इस मैदान के हिसाब से। मैदान बड़ा भी है और यहाँ की पिच भी बहुत स्लो होने वाली है इस मैच में। तो गाइस, अब बात करते हैं प्लेइंग इलेवन की। मेरे हिसाब से जो दोनों टीमों की सेमीफाइनल्स में थी वही एकदम सेम रहने वाली है इस मैच में, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। और अगर की प्लेयर्स की बात कर ली जाए तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैक्सवेल हैं अपने, और इंडिया की तरफ से तो सभी पूरी टीम ही अच्छी है। और लेकिन सबसे अच्छा जो अभी पिछले मैच में शमी 7 विकेट लेकर आए, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है की प्लेयर्स में शमी होंगे। शमी को मैंने इसलिए की प्लेयर्स में रखा है क्योंकि पहला जब मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो शमी इस टीम में नहीं थे, बट अब देखने वाली बात है कि क्या होता है, शमी क्या करते हैं। मेरे हिसाब से 5-6 विकेट तो इसमें भी लेने ही चाहिए, शमी को बिल्कुल लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं मैच प्रेडिक्शन की। तो मेरे हिसाब से मैं तो चाहता हूँ इंडिया ही जीते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का भी पलड़ा बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है इंडिया भी अभी तक बहुत अच्छा खेल रही है और ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छा ही खेल रही है। तो मेरे हिसाब से 70% इंडिया जीतेगी, चांसेस हैं इंडिया के जीतने के, और 30% ऑस्ट्रेलिया के भी हैं। लेकिन हम लोग वही चाहते हैं कि जो सब आप लोग भी चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं कि इंडिया ही अपनी जीते इस साल का ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।